दोस्तों मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं खुद का आप मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरह आप बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति, आप जानते ही होंगे उस टाइप का एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और उस एप्लीकेशन को आप बनाकर आप प्ले स्टोर में डाल सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर में डाल सकते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन से आप एडसेंस को लिंक कर सकते हैं, उससे आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। और ये आपको बिल्कुल फ्री में बनेगा अपना मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल केबीसी की तरह रहता है, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री में आप बना पाएंगे और उससे अच्छा खासा आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और उसको आप अगर आप चाहे तो प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बता देते हैं, यहाँ मैंने आपके लिए पहले से बना दिया हूँ CSC सेंटर फ्री में कैसे ले, ठीक है, यहाँ ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ मैं आपकी बहुत सारी काम की वीडियो पहले से ऑलरेडी बना दी, ये सब वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। आपको एप्लीकेशन जो बनाना है उस एप्लीकेशन को आपको इस वेबसाइट से बनाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप गेसर वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ। इस वेबसाइट से आप बिल्कुल फ्री में आसानी से अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ना कोई कोडिंग ना कोई होस्टिंग वगैरह कोई चीज की को परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐप गेजर की वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेगा, आप इसको सेम अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन में भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है कैरियट नो फॉर फ्री, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट, कॉल, वॉलपेपर, मैसेजर, ब्राउजर, ठीक है। तो ये बहुत सारे वीडियो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ केबीसी के बारे में, यानी कौन बनेगा करोड़पति के बारे में, उस टाइप का एप्लीकेशन कैसे बने। यहाँ बहुत टाइप के एप्लीकेशन दिए गए हैं जैसे गेमिंग वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो यहाँ पे ये वाला क्यूज़, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये केबीसी का है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप ऑप्शन वाला क्यूज जो है, इस पर हम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, इसी पर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, ये वाला देख लीजिए, इसी वाले पर आपको क्लिक करना है। अगर आप केबीसी कौन बनेगा करोड़पति इस टाइप के वीडियो, इस टाइप के अगर मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप फ्री में बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आना, यहाँ पे आने को कुछ इस तक, यहाँ पे आपको एक मोबाइल दिया गया है, जो भी आप काम करेंगे उसको प्रीव्यू करके आप इस मोबाइल में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टाइल दिया है, स्टाइल में तीन स्टाइल दिया गया है, यानी कि जैसे आप कोई भी आपका एप्लीकेशन ओपन करेगा तो कौन सा, मतलब ओपन करने के बाद क्या उसको, मतलब सेंटोफेस दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तीन तरह का दिया गया है, मैं आपको सजेशन करूंगा तीन नंबर वाले को सिलेक्ट कीजिए, तीन नंबर वाले जो बहुत अच्छा है। यहाँ देख लीजिए, मैंने तीन नंबर वाले को सिलेक्ट किया। यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मैंने तीन नंबर वाले को सेलेक्ट किया, उसके बाद रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक किए, उसके बाद जो भी आप ऐप का नाम देंगे वो ऐप का नाम आएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट गेम का एक बटन भी आ जाएगा अगर तीन नंबर वाले स्टार लगेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब आप कितना क्वेश्चन देना चाहते हैं, क्वेश्चन रखना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में, ठीक है, मतलब कि गेम जो खेलेगा वो कितना क्वेश्चन का जवाब देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 10 है, तो मैं अभी तत्काल के लिए इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, तत्काल के लिए मैं इसको 2 कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर एक बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। यहाँ से ऐड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐड करने के लिए मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड करने के लिए अपलोड बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे, धीरे धीरे देखिएगा और धीरे धीरे आप फॉलो करते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप को, तब आप आसानी से बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन को बना सकते हैं, प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं, अमेजोन ऐप स्टोर पर डाल सकते हैं, उससे अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं, जो कि अनलीगल नहीं बल्कि लीगल है, टोटल चीज़ लीगल, इसमें कोई भी अनलीगल नहीं। तो मैं ये जो तिरंगा है इसी को मैं बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका इमेज बड़ा होगा तो क्रॉपिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा इमेज बड़ा नहीं, यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड हो रहा है, तो ये लग चुका है क्योंकि बड़ा नहीं था। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो क्रॉपिंग ले लेगा, क्रॉपिंग बोलेगा करने के लिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए वैसे, ठीक है।
उसके बाद करना कुछ नहीं, सिंपली से आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं गेम एप्लीकेशन का, उस नाम यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जीशान, जो मेरा नाम है जीशान, उसके बाद के बी सी, जो भी आप एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं वो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ऐप का नाम अपने नाम से या जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम प्रीव्यू फिर से करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप केबीसी, मतलब एप्लीकेशन का नाम जो वो जीशान केबीसी मैंने दिया था वो भी आ रहा है। उसके बाद स्टार्ट गेम का एक बटन भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे अपने ऐप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एक लेन, दो लेन, तीन लेन, पांच लेन, जितना भी लिखना हो आपको वो लिख सकते, नहीं तो आप इसको बाद में भी एडिट करते। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली जीशान केबीसी लिख दिया हूँ, ठीक है। जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना, मतलब एप्लीकेशन के बारे में, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। दो शब्द, तीन शब्द, जितना शब्द लिखना चाहे वो आप लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि मतलब आपका जो ये एप्लीकेशन का उसका लोगो आप क्या लगाना चाहते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट आइकन, मतलब इसका वेबसाइट ये एप्लीकेशन भी कुछ आइकन दे, तो वो आइकन लगाना चाहते हैं या खुद का, वो आइकन लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आइकन लगा लेंगे। नहीं तो अगर खुद का आइकन लगाना चाहते हैं तो यहाँ कस्टम आइकन पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन का इमेज रखना चाहते हैं लोगो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, हमारे पास एक लोगो है, मैं जो मैंने कैरी मेरे पास है ये वाला, ये अपली लोगो को मैं सिलेक्ट कर लिया, अपलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये आप क्रॉपिंग मांग रहा है, ठीक है। इसको क्रॉपिंग कर लेंगे अपने हिसाब से, आपका लोगो कितना होना चाहिए क्रॉपिंग कर लेंगे। उसके बाद नीचे में क्रॉप बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा जो एप्लीकेशन का लोगो वो भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश बटन भी क्लिक करके हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं कैरियर, कैरियर बटन भी क्लिक करेंगे। कैरियर बटन भी क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा या आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने फेसबुक वगैरह से, ठीक है। अगर लॉगिन अगर फेसबुक से करना है तो फेसबुक क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं साइन इन कर लेता क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं फेसबुक भी क्लिक करूंगा, फेसबुक से लॉगिन करता हूं। आप फेसबुक ईमेल या किसी भी अन्य तरीके से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लॉगिन कर फेसबुक को कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद लॉगिन हो चुका है हमारा, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए करियर पे जैसे क्लिक करेंगे इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग मिल जाते हैं, ठीक है। ये डैशबोर्ड इनका आपको यहाँ पे मिल देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप पब्लिश टू गूगल प्ले पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप पब्लिश कर सकते हैं अपने इस एप्लीकेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है। इस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे, हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, मतलब तीन है, एक मतलब पेमेंट, दो पेमेंट कर सकते हैं, एक फ्री में कर सकते हैं। मतलब फ्री वाला को सिलेक्ट किया हमने, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउनलोड, अनलिमिटेड मोनिटेशन, मतलब एड वगैरह लगा सकते हैं, फ्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। फ्री वाला ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं पेमेंट करके अपने एप्लीकेशन को और ये अच्छा करें तो पेमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि $40 पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डाउनलोड है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए इस तरह का यहाँ पे 100% ये कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से अपने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं या QR कोड से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपका एप्लीकेशन का लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपने लिंक से या QR कोड से, या इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डाउनलोड मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई क्वेश्चन वगैरह इसमें ऐड नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ एप्लीकेशन क्रिएट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, पूरी चीज विस्तार से देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। पब्लिश पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले पे आप
गूगल प्ले पे भी आप पब्लिश कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, यानी गूगल प्ले स्टोर पर, जिसके लिए आपको $25 देने होते हैं, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है। इसके बाद आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, जिसमें आप अनलिमिटेड एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं। एक बार अगर आप $25 पेमेंट कर देंगे गूगल को प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डालने के लिए, तो उसके बाद जितना एप्लीकेशन आप चाहते हैं उतना आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे अमेजोन ऐप स्टोर पे वगैरह पे भी आप यहाँ पे फ्री में अपना एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक मोनेटाइज मिल जाए, इसकी मदद से आपने एप्लीकेशन में ऐड वगैरह जो ऐड कर सकते हैं, मतलब जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं गूगल एडसेंस के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए डिसेबल एडसेंस वगैरह, ठीक है, इसको इनेबल कर दीजिएगा अगर आपको अपने ऐप से अर्निंग करना है तो। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, आई हैव ए वेबसाइट, आई डोंट हैव ए वेबसाइट, आई डोंट केयर, ठीक है। तो जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपने यहाँ पे देखिए एडसेंस अकाउंट को वगैरह को लिंक करना आपको होगा अगर आप इस ऐप से अर्निंग करना चाहते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और यहाँ से आप जान सकते हैं सेंटेंस में, तो मतलब कि आपका एप्लीकेशन कितना डाउनलोड हुआ है, कितना इंस्टॉल हुआ है और कितना अभी यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने एडिट पे आएंगे तो अपना एप्लीकेशन को आप एडिट कर पाएंगे। तो चलिए आप एप्लीकेशन को एडिट करेंगे, एप्लीकेशन में क्वेश्चन जोड़ेंगे, आंसर जोड़ेंगे, वो किस तरह काम करता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जो स्टाइल आपको तीन नंबर वाला रहने देना है, ताकि आपको आपका जो एप्लीकेशन वो और अच्छा दिखने भी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने के लिए बोला जाए, यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन का एक बटन मिल जाएगा आपको, ऐड क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना आप क्वेश्चन चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर, मैंने दो क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट किया था तो दो क्वेश्चन मैं अभी ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन भी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका आप जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, उस क्वेश्चन को यहाँ पे आप दे देंगे। तो चलिए मैं एक वेबसाइट से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन देना चाहते हैं अपने मनपसंद से, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं एक वेबसाइट से मतलब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, भारत में इनमें से कौन सा पद निर्वाचित पद है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया और इस क्वेश्चन वाले बॉक्स में हम इंटर कर दे। जो भी क्वेश्चन आप देना चाहते उस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें लिखना चाहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन देना है, ठीक है। तो मैं जो इसका सही सही ऑप्शन है, चार ऑप्शन मैं इसमें दे देता हूँ, आंसर में आंसर वन में दे देता हूँ, उसके बाद आंसर टू, आंसर टू वाले बॉक्स में दे देता हूँ, आंसर तीन, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दिया और ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है जो ऑप्शन दिए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एक नंबर वाले सही है या दो नंबर वाले या तीन नंबर वाले चार, कौन सा ऑप्शन। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो दो नंबर वाला सही है, ठीक है। तो ये वाला भारत के राष्ट्रपति वाला सही है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन का कुछ इमेज भी लगाना चाहते हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं, अटैच फाइल इमेज पे क्लिक करके, ठीक है। तो मैं इमेज नहीं लगाना चाहता हूँ क्वेश्चन में। उसके बाद ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे, नीचे में ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, ये सेविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सीरियली नंबर भी एक दिखा देगा। उसके बाद मैं फिर से एक ऐड क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर से एक नया, तो उसके बाद मैंने सेकेंड क्वेश्चन भी ऐड कर दिया हो। इस वर्ष की शुरुआत में, यानी कि यहाँ पे वर्ष दे देंगे, वर्ष दो मतलब जो भी वर्ष है, जैसा कि वर्ष 2018 की शुरुआत में फेसबुक ने $19 अरब की भारी रकम राशि से किसे खरीदा, यूट्यूब को खरीदा है फेसबुक ने, या इंस्टाग्राम को, या नोकिया को, या व्हाट्सएप को, ठीक है। ये ऑप्शन इसका जो सही है ऑप्शन है ये ऑप्शन चार नंबर जो इसका सही है। तो आंसर चार वाले को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने दो क्वेश्चन
ऐड कर लिया हूँ दो क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था दो ही क्वेश्चन ऐड करूँगा अभी। आप जितना क्वेश्चन चाहे उतना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे दो को आप पाँच कर देंगे तो पाँच ऐड करेंगे, इसमें टिक मार कर रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐप नेम, ऐप नेम पे भी आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप ऐप नेम को चेंज कर सकते हैं। ऐप वर्जन वगैरह ये ऑटोमेटिक रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऐप का आइकन बदलना चाहे तो ये बदल सकते हैं, अगर ऐप का थीम बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए अभी मैं रेड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए मैंने जो ये थीम लगाया है ये लाल कलर ऊपर में रहेगा, जो यहाँ पे पट्टी है इस पट्टी पे लाल कलर रहेगा। अभी नेक्स्ट आगे करेंगे तो ठीक है। तो अब देखिए मैंने तो एप्लीकेशन बना दिया हूँ, अब करना कुछ नहीं है, सिंपली से अब इस एप्लीकेशन को प्रीव्यू करेंगे, ये एप्लीकेशन मोबाइल में कैसा वर्क करेगा ये देख लेना, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली सा रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो सेटिंग किया आपने इस एप्लीकेशन में वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड में तिरंगा लगाया था, बैकग्राउंड तिरंगा आ गया। उसके बाद जैसे कोई ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस उसको देखने को मिलेगा, मेरा एप्लीकेशन का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट गेम मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट गेम पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें से यहाँ पे देख लीजिए मैंने दो क्वेश्चन ऐड किया था, उस दो क्वेश्चन में से ये एक पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इसमें दिया था इनमें से भारत में कौन सा पद निर्वाचित पद है, ठीक है। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा आंसर करेक्ट है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड किया था 2018 की वर्ष की शुरुआत में फेसबुक ने $19 अरब की भारी रकम राशि से किसे खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, नोकिया, इंस्टाग्राम वगैरह किसे खरीदा था, जो भी आपका ऑप्शन सही वो सही करेंगे। जैसे मेरा ये ऑप्शन व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप को सिलेक्ट करेंगे, अगर नोकिया देंगे तो गलत यहाँ का एरर दिखा देगा। देखिए मुझे मालूम इसका जो आंसर ये व्हाट्सअप है तो मैं फिर भी यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि गलत आंसर देखता हूँ कि एप्लीकेशन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। गलत आंसर यूट्यूब को मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ बता रहा योर आंसर इज इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज व्हाट्सअप, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हो चुका, क्योंकि दो ही क्वेश्चन दिया था मैंने, दो कम्प्लीट हो चुका, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह के यहाँ पे दिखाया गया, दो क्वेश्चन था जिसमें 50% आपका सही रहा, एक सही था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन था और जो भी सही इस क्वेश्चन का जो भी सही था वो यहाँ पे हरा हो जाएगा, जो भी गलत था वो लाल, ठीक है। करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दिखेगा, और फिर से खेलना चाहे कोई तो यहाँ पे ट्राई अगेन पे खेल क्लिक करके फिर से वो एप्लीकेशन को गेम को खेल सकता है। इसी तरह अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, मैंने एप्लीकेशन अपना बना लिया जो आपको दिखा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, मैंने एप्लीकेशन बनाया उसको प्रीव्यू किया, उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। मैंने जैसे कि आप बताइए आपको बताया कि इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में डाल सकते हैं, आप इस एप्लीकेशन पे गूगल एडसेंस के द्वारा एड वर्ज कर सकते हैं, मतलब प्रचार मंगवा सकते हैं, जिससे आप अर्निंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ही अकाउंट से मैंने एक ही फेसबुक से लॉगिन किया था, और कई एप्लीकेशन में बना सकता हूँ, जिसकी ये एप्लीकेशन जीसान केवाईसी, इसके अलावा मैंने बहुत एप्लीकेशन बनाया हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितने एप्लीकेशन बनाया, सारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, और कौन सा एप्लीकेशन कितना डाउनलोड हुआ वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने एप्लीकेशन बना दिया, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको बैकअप वगैरह मिल जाए, पब्लिश वगैरह इस सबका कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको यहाँ पे आ जाना है डाउनलोड पे, डाउनलोड करना है। अगर आपको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में डालवाना है या एडवर्ड्स द्वारा मतलब अपने एप्लीकेशन से अर्निंग करना है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, मैं तभी बताऊंगा जब आपको वीडियो की जरूरत होगी, जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड आइकन पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब ओपन होने के बाद कुछ इस तरह यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का, इससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे देख रहे हो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। मैं इसको अभी रोक दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे QR कोड, आपका एप्लीकेशन QR कोड है, कोई भी इसे स्कैन करेगा QR कोड स्कैनिंग ऐप से तो इससे डाउनलोड वो कर सकता है, और आपका जो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसे आप ट्विटर या फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह अपना KVC एप्लीकेशन बना सकते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री में है, और इससे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इससे अर्निंग करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का जो भी अर्निंग होगा उसका 50% आपको देगी कंपनी, और 50% कंपनी लेगी, क्योंकि आप इन्हीं कंपनी के माध्यम से एप्लीकेशन बनाए, ठीक है। तो जो भी ये अर्निंग होगा, मान लीजिए ₹100 अर्निंग होता है, ₹50 आपका होगा, ₹50 इस कंपनी का जो कि एप्लीकेशन आपको बना के दिया है, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस था केवीसी की तरह टाइप का मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का। तो अगर इसके अलावा कोई टाइप का एप्लीकेशन आपको बनाना
जानना है उसके बारे में जानकारी चाहिए, या प्ले स्टोर पे डालने का जानकारी चाहिए आपको, या अपने बिना प्ले स्टोर पे डाले अपने ऐप से मतलब अर्निंग करने का चाहिए, तो उसके बारे में अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आता रहे। तो यहाँ मैंने आपकी बहुत सारे काम की वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिएगा और करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।